आज़ादी के समय भारत के गांवों की जो दुर्दशा देश में थी वह अब भी जस की तस है। ऐसा ही कुछ नज़ारा मध्य प्रदेश की सांवेर विधानसभा के कछालिया गांव में देखने को मिला, जहां आज भी ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही। सरकार के कार्य की धज्जियां खुद सरपंच रफीक कामदार उड़ा रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद ग्रामीणों को पानी की एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। मोदी सरकार के स्वच्छता अभियान की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है सांवेर विधानसभा का हाल। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सांवेर विधानसभा के ग्राम कछालिया में लोगों को पानी की कमी और गंदगी के बीच जीवन यापन करना पड़ रहा है। शासन द्वारा नल जल योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण कराया गया, लेकिन ठेकेदार की मनमानी और सरपंच रफीक कामदार की अनदेखी ने इस योजना पर पानी फेर दिया। ठेकेदार ने घटिया पाइपलाइन का सहारा लेते हुए गाँव के लोगों के सपनों को तोड़ने का काम किया है। न केवल पानी की कमी बल्कि गांव के लोग शौचालय की कमी और गंदगी से भी जूझ रहे हैं। आपकी दुकान कहाँ है? ये सामने। और ये इतनी गंदगी पड़ी है, आपने यहाँ सरपंच को शिकायत नहीं की? कितनी बार की थी, आप साफ ही नहीं कर रहे तो क्या करें? साफ ही नहीं कर रहा है। और क्या? सरपंच कौन है आपके यहाँ? रफीक कामदार। और आगे तहसील वगैरह में शिकायत की, SDM वगैरह किसी को? कितनी बार कर दे, किसको कहने जाओ? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये गंदगी आपको खुलू, आपका घर भी यही है क्या? दुकान है सिर्फ, यहाँ सिर्फ दुकान है। ये दुकान या गंदगियाँ जो आती है, बाहर आती है, बदबू आती है, तो आप कैसे बैठते होंगे? बैठ रहा है, आदत पड़ गई हमको तो। बैठते हैं तो काम तो इन्होंने पिछली बार बंद कर दिया था, करीबन 15 महीने हो गए हैं। हाँ। और पाइपलाइन वगैरह भी इन्होंने डाल रखी है, घर घर नल वगैरह भी जो छोटी लाइन बना रखी है, लेकिन बाकी पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आया, इसकी शिकायत की थी? बिल्कुल शिकायत की थी। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई। और यहाँ के अपने नाली वगैरह सीमेंट कांक्रीट रोड है कि नहीं? नहीं है। नहीं है, बहुत कम जगह है। कम जगह है, नाली बनी हुई नहीं है क्या? नालियाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 मोहल्लों में बनी हुई है, उसके अलावा बाकी पानी कहाँ जाता फिर नालियों का? बस रोड के ऊपर होते हुए जाता है, रोड पर होते हुए जा रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ समस्या है सर कि जब से नल जल योजना लगी है, जब से हमारे यहाँ पानी ही नहीं आ रहा है। ये नल ऐसे कैसे ही पड़े हैं, नालियाँ खुली छोड़ दी, नालियाँ भी नहीं बनी हुई है। सरपंच को बताया तो सरपंच द्वारा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद में जो संबंधित जिन लोगों ने ये कार्य किया था उनको भी सूचना दी, CM हेल्पलाइन पर भी सूचना दी थी, उसके बावजूद भी वो लोग काम नहीं कर रहे। और आकर वो ये बोलते हैं आप कंप्लेंट वापस ले लो, हम आपका काम कर देंगे। उसके बाद भी हमने एक बार कंप्लेंट वापस ले ली, कंप्लेंट लेने के बाद में वापस दोबारा फिर उनको फिर कंप्लेंट की तो बोले फिर वापस ले लो, मतलब अभी तक काम करने का उनका कोई मूड ही नहीं। यहाँ पर पानी की समस्या आती है, कम से कम आधा 1-1 किलोमीटर से लोग पानी लेकर आते हैं, और अभी इस गर्मी में काफ़ी समस्याएं हैं हमको भिगा हुए पानी के लिए। नालियाँ खुली पड़ी हुई है, पूरी नालियों के अंदर जो पाइपलाइन है वो बिल्कुल बिछा दी उसके ऊपर ही, और ऊपर बचा जितना भी गंदा पानी वो उसी में घुसेगा, मतलब पूरा अव्यवस्थित काम कर रखा है इन लोगों ने। और नाली वगैरह बनी हुई है कि नहीं? नाली भी नहीं बनी हुई है, नाली भी आपके सामने देख लो, ये नाली पूरी सब ये ऊपर ही पानी जा रहा है, गंदगी, बाथरूम जो करते हैं वो भी नीचे आ रही है। कछालिया का ये राम मंदिर क्षेत्र है, राम मंदिर क्षेत्र में भी नहीं है, उधर मस्जिद क्षेत्र में भी नहीं, पीछे मतलब जब से नल जल योजना की जो पानी चालू हुई है टंकी, जब से जब से पानी आपके आई नहीं एक बार भी, बिल्कुल इतना समय हुआ टंकी बने को? इसको करीब करीब 3-1 साल हो गए, 3 साल में एक बार भी पानी नहीं आया, भी पानी नहीं मात्र नहीं खाली 100 पीस बने हुए नल, बिल्कुल। और सरपंच को शिकायत करते क्या बोलते हैं? सरपंच को भी बोल दिया हमने, सरपंच भी इस ओर ध्यान देने को तैयार, हमने रोड का भी बोला, ये रोड खुद गई है, ये नल जल योजना के कारण इन्होंने खोद के रख दी, वो भी इसी करे कीचड़ रहता है पूरा बारिश भर। सरपंच कौन है यहाँ पर? सरपंच है श्री रफीक कामदार जी। प्रकाश कहाँ रहते हैं? कछालिया। आपके यहाँ शौचालय बनाएगी नहीं? शौचालय नहीं बनाया, मतलब शौचालय के लिए सरपंच के पास गया था मैं, तो शौचालय पर सरपंच ने बोल दिया है कि आपके पैसे निकल गए, तो मेरे कब निकल गए मेरे कोई मालूम नहीं, अभी तक शौचालय भी नहीं बना हमारे घर पे। फिर अभी कहाँ पे जाता है शौचालय? हमारे भाई के घर पे जाते हैं, या फिर बाहर में जाओ, मतलब जंगल जाओ, फिर जंगल जाना पड़ता है। हाँ सर। और सरपंच के यहाँ पैसा निकल गया है? हाँ सर। मंत्री से बात हुई थी? मतलब मंत्री से नहीं हुई थी, मतलब सरपंच ने यहाँ पे मतलब बोल दिया, बोले वहाँ से ये हो गए निकल गए, मंत्री के पास जाने से मतलब ही क्या था? सरपंच कौन आपके यहाँ? रफीक कामदार। और क्या समस्या, नाली वगैरह है कि नहीं आपके यहाँ? नाली वगैरह भी नहीं है। नाली भी नहीं है, और नल वगैरह आते हैं? नहीं आते हैं नल वगैरह भी। कितने समय से नहीं आ रहा है? हो गए करीबन 2-1 साल से नहीं आ रहे, 2-3 साल से। 2-3 साल से नहीं आ रहा। अच्छा, आपके यहाँ की नल जल योजना की समस्या है? घटिया पाइपलाइन डाल दी, गंदा पानी आता है,
पूरे गांव में सप्लाई नहीं है इस पानी का। इसकी शिकायत करने के बाद भी आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। वास्तव में जो पैसे दिए हैं उसका काम नहीं हुआ, ये काम अधूरा है। सिर्फ टंकी बनी है, पीने योग्य पानी नहीं है। तो इसकी शिकायत की थी आपने? जी जी हाँ, शिकायत की थी, पेपरबाजी भी हो गई थी, इंजीनियर को की थी, नायक साहब को की थी, डिपार्टमेंट इनके भी आके देख गए थे, उसके बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया। और यहाँ के सरपंच? सरपंच को भी बोल दिया, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा सरपंच। कितनी लागत से बनी थी पानी की टंकी? 1.5 करोड़ से ऊपर है इसकी लागत। 1.5 करोड़ से? वो जो पाइपलाइन वगैरह डाली वो सब घटिया है? सब घटिया है। पीवीसी की लाइन डाल दी, नल से कहता हूँ कि पूरे गाँव में अगर आके देख लो तो वास्तव में किसी के घर पानी नहीं चढ़ा अभी। अच्छा, और घटिया है वो भी टूट गए, नल जो डाले वो भी टूट गए, मतलब घटिया पाइप डाले थे बिल्कुल। मध्य प्रदेश सावेर से संतोष व्यास की रिपोर्ट।